हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आयशिका हैप्पी गार्डन में। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक अम्ब्रेला वाला प्लांटर बनाने वाली हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने लिया है यहाँ पे क्ले वाला, मैंने एक बड़ा सा कटोरा लिया है। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है और अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे जो है आप कुल्हड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं नवरात्र के टाइम पर लेकर आई थी और इसके सेंटर में हमें जो है होल करना है, तो मैंने यहाँ पे नाइफ से धीरे धीरे करके इसमें होल किया है। आप चाहे तो सीजर से भी होल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मैंने लिया है ये पाइप। तो ये जो पाइप है फ्रेंड्स, बहुत दिन से मैं इसको रखी हुई थी कि मैं किसी भी DIY में इसका यूज़ कर लूँगी। तो ये पाइप फ्रेंड्स मुझे मिला था, पहले एक थैला आता था जब बैग, जिसके दोनों साइड पे ये जो है ये डंडी लगा हुआ होता है, तो उस जगह पे ये पाइप फिक्स था। और उसी को जो है मैंने निकाला है। वो जो थैला था वो तो ख़राब हो गया है, तो उसको मैंने रख दिया था और उसी का जो है मैं आज यूज़ कर रही हूँ इस पाइप का। तो इस तरह का पाइप आप ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे आप तार का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप पानी वाला जो पाइप आता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने पाइप के एक होल को मास्किंग टेप से अच्छी तरह से बंद किया है और फिर पाइप के होल में हमें जो है सैंड को फिल करना है। तो इसको आप अच्छी तरह से जो है सैंड को फिल कर लीजिए। मास्किंग टेप से मैंने जो है इसको बंद किया है और बंद करने के बाद मैंने तार लगाया और फिर गैस पे जाकर मैंने इस पाइप को इस तरह से जो है मैंने फोल्ड किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सैंड इसलिए डाला है ताकि जब मैं इस पाइप को फोल्ड करूँगी तो ये जो फोल्ड है वो पूरी अच्छी तरह से हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से जो है आप पाइप को मोड़ लीजिए और मोड़ने के बाद जहाँ पे हमने होल किया है उस जगह पे जो है हमें इस पाइप को फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सबसे पहले होल के पास मैं यहाँ पर फेविकोल लगा रही हूँ और फिर इसके बाद लेंगे हम क्ले। यहाँ पे आप मोल्डेड क्ले का यूज़ कर लीजिए या फिर आप एमसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके हेल्प से जो है आपको इस पाइप को सेंटर में फिक्स कर लेना है। और यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। फिक्स करने के बाद फ्रेंड्स अब मैं इसको कलर करूँगी। तो मैं इसको सबसे पहले वाइट एक्रेलिक कलर से मैं इसको कलर करूँगी। तो पूरे जो मिट्टी का क्ले वाला जो कटोरी है उसको आप कलर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पे ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों साइड पे इस तरह से जो है आपको इसमें कलर करना है। तो अभी तो मैंने आपको अंदर में कलर करके दिखाया है और उसके बाद आप बाहरी हिस्से वाले में भी वाइट कलर से कलर कर लीजिए। यहाँ पे आप चाहे तो कोई और भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कलर ड्राई इसको कर लीजिए और फिर इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे एक और कोट अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से कलर हो जाएगा कंप्लीट। और इसके अंदर मैंने जो है एक पेंसिल से इस पर मैंने एक सिंपल सा जो है मैंने लाइन ड्रॉ किया है, जैसे अम्ब्रेला में होता है इस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है। और अब जो है मैं इसको कलर करूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने अंदर में भी इस तरह से ही लाइन ड्रॉ किया है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे किसी और तरह का फ्लावर बनाना तो उस तरह का भी फ्लावर बना के आप उसको कलर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हूँ पिंक कलर से कलर करी हूँ और इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे जितनी सारे लाइन बनाया है उन सभी के अंदर जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करना है और इस तरह से जो है आपको अंदर और बाहर दोनों साइड पे जो है कलर कर लेना है। तो जब इसको आप कलर कर लीजिएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स इसको जो है मैं कलर कर रही हूँ। तो इस पे फ्रेंड्स आप और भी बहुत भी कुछ बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से कलर कर लीजिए और कलर होने के बाद फ्रेंड्स ये जो है कुछ इस तरह से जो है ये दिख रहा है। और किनारे वाले साइड पे मैंने ब्लैक कलर से कलर किया है। तो इस तरह से कलर होने के बाद अब जो है
जो पाइप है उस पाइप को भी हमें कलर करना है। तो मैं इस पाइप को ब्लैक कलर से कलर करूँगी और पूरे पाइप को जो है आपको ब्लैक कलर से कलर कर लेना है। और कलर ड्राई होने के बाद इसके अंदर आप बटन बना दीजिए जैसे छाते के अंदर होता है। और इस तरह से जो है मेरा ये अम्ब्रेला वाला जो प्लांटर है वो बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये अम्ब्रेला वाला प्लांटर जो है वो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह का जो है आप प्लांटर बनाकर उसमें आप जो है प्लांट भी लगा सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ और आप जो है इसमें प्लांट लगा कर भी अपने गार्डन में इसको डेकोर कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है प्लांटर आप बॉटल से भी बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिए इसको। ये हमारा दूसरा डिवाइस, इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे बॉल। इस तरह का जो बॉल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन को बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया सा DIY बनाकर उसको डेकोर करने के लिए। तो इस तरह का बॉल ले लेंगे, फिर मार्कर से हम बॉल के ऊपर छोटा सा सर्कल बना लेंगे और फिर हम इस सर्कल को जो है कट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नाइफ से जो अभी हमने ड्रॉ किया है उस हिस्से को जो है हमें कट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है यहाँ पर इसको कट कर लिया है और कट करने के बाद मैंने फिर से लिया है एक छोटा सा बॉल। तो इस तरह का बॉल ले लेना है और उसको जो है आपको बॉल के ऊपर पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे फेविक्यूब के हेल्प से जो है इसको पेस्ट कर ली हूँ। फिर इसके बाद जो है इसको अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए, मतलब ये बाद में जो बॉल है वो अलग ना हो, इसके लिए मैंने जो है यहाँ पर मोल्डेड क्ले से इसको अच्छी तरह से जो है हम फिक्स कर लेंगे ताकि जो बॉल है वो बाद में ना निकले। और फिर इसके बाद मेरे पास इस तरह का एक प्लास्टिक का कैप के जैसा है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा रही हूँ, यानी मैं यहाँ पे बॉल के ऊपर जो है इसको मैं लगा ली हूँ ताकि देखने में लग रहा है कि ये जो मैंने बर्ड बना रही हूँ ये कैप पहना हुआ है। और इसके बाद मैंने इसके माउथ को भी बना ली हूँ। और फिर इसके बाद बड़े वाले बॉल के नीचे वाले हिस्से पे हमें दो होल करना है और जो हमने अभी होल किया है इसके अंदर हमें तार को लगाना है। और फिर मैं मार्कर से आई बना लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे ये बन गया है और तार भी हमने लगा लिया है इसके लेग में। और फिर इसके बाद मैंने क्ले के हेल्प से ही इसके पंख को बनाई हुई हूँ। तो इस तरह से दोनों साइड पर जो है पंख को बना लेना है और फिर इसके बाद बॉल को जो है हमें कलर करना है। तो मेरा जो बॉल है ये बहुत ही पुराना है तो मैं इसलिए इसको जो है वो कलर कर रही हूँ। अगर आपका बॉल नया है तो आपको जो है कलर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो इसको मैं वाइट एक्रेलिक कलर से कलर कर ली हूँ और ये हो गया है ड्राई। और फिर इसके बाद जो है मैं बॉल को येलो कलर से कलर कर लूँगी ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। और फिर जहाँ पे हमने क्ले लगाया है उस हिस्से को हमने ब्लैक कलर से कलर कर लिया है। और उसके बाद मैं इसके पंख को कलर करूँगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ और पंख के अंदर जो है मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर का यूज़ करूँगी। यहाँ पे आप कुछ और पंख के ऊपर कलर करना चाहते हैं या फिर ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसको भी कलर कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर बॉल के ऊपर पे मैं यहाँ पर छोटे छोटे डॉट बना रही हूँ। जिस बॉल को हमने येलो कलर से कलर किया है उसके ऊपर जो है हमें छोटे छोटे डॉट को बना लेना है। और इस तरह से बनने के बाद फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसके माउथ को जो है वो कलर करूँगी। तो मैं इसके माउथ को रेड कलर से कलर करूँगी। आप चाहे तो इसके माउथ को आप यहाँ पे येलो कलर से कलर कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैंने इसके बॉडी को येलो कलर से कलर किया है इसलिए मैं इसके माउथ को रेड कलर से कलर कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए ये हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन अभी भी फ्रेंड्स इसका जो लेग है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं लूँगी क्ले और उस क्ले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम छोटे छोटे रोल को
बना लेंगे। तो इस तरह से ढेर सारे जो है आप बना लीजिए, और बनाने के बाद फ्रेंड्स अब जो है मैं एक न्यूज़पेपर लूँगी और उस न्यूज़पेपर के ऊपर जो अभी हमने बर्ड बनाया है उसको हम रखेंगे, और फिर इसके बाद जहाँ पे हमें फिंगर को पेस्ट करना है तो उस जगह पे हम जो है फेविकोल लगा लेंगे, और फिर इसके बाद जितने भी हमने अभी रोल बनाया है उसको हम बारी बारी करके पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों लेग में जो है आपको फिंगर को बना लेना है, और जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप जो है इसको येलो कलर से कलर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ये छोटा सा मैंने बिकार बॉल से जो बर्ड बनाया है वो बनकर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह का जो है आप बर्ड बनाकर अपने गार्डन में इसको हैंग भी कर सकते हैं, या तो किसी पॉट में आप जो है इसको प्लेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बेकार बेकार जो हमारे घर में बॉल पड़े होते हैं, या फिर आपके पास कोकोनट का सिल पड़ा है तो उसे भी इस तरह का जो है बर्ड आप बना सकते हैं दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय दोस्तों।